नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, सेतु से अगरतला में बांस उत्पाद, नारियल और अगरबत्ती के उत्पादन में वृद्धि होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अब सामान्य रूप से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज शाम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। कोलकाता में पूर्वी रेल स्टैंड रोड कार्यालय में आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। देश में पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए और झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमालिका बारी ने पेरिस में होने वाले राष्ट्रीय ओलंपिक क्वालिफायर में जगह बनाई। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पुल के उद्घाटन के साथ ही अगरतला एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का निकटतम भारतीय शहर बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इस पुल की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है। बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेतु से बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा को विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2009-2014 के बीच 3,500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से 2019 के बीच 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के किसानों और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा में 100% बिजलीकरण हो, उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, या फिर 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ हो, दिल्ली की और त्रिपुरा की
डबल इंजन की सरकार के ये काम त्रिपुरा की बहनों बेटियों को सशक्त करने में मदद कर रहे हैं। त्रिपुरा में पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ किसानों और गरीब परिवारों को मिल रहा है। राज्य में लगभग 80,000 परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा उन 6 राज्यों में से एक है जहां घरों के निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हुआ है। आज से 3 वर्ष पूर्व आप लोगों ने, त्रिपुरा के लोगों ने एक नया इतिहास रचा था और पूरे देश को एक बहुत मजबूत संदेश दिया था। दशकों से राज्य के विकास को अवरुद्ध करने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। जिन बेड़ियों में त्रिपुरा का सामर्थ्य जकड़ा हुआ था, आपने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं, वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। श्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में बेहतर संपर्क सुविधा से न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है बल्कि व्यापार को भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अगरतला आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के लिए 6 अरब रूपये का एक विशेष पैकेज भी दिया है जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आयेगा। त्रिपुरा में भाजपा आईपीएफटी सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कैला शहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-208 की आधारशिला रखी। 80 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर 10 अरब 78 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। प्रधानमंत्री ने सबरूम में एक एकीकृत चेकपोस्ट की आधारशिला भी रखी। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद मिलेगी और उत्तर पूर्व राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार भी मिलेंगे। इस पर 2 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित 40,978 घरों का भी उद्घाटन किया। अगरतला में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को अपने 3 साल पूरे करने पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नई सरकार के आने के साथ राज्य ने विकास के हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 21 उद्भट विद्वानों की व्याख्या के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सुविख्यात राजनेता डॉ कर्ण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। सामान्य तौर पर श्रीमद् भगवद गीता को एकल व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने का प्रचलन है। पहली बार प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की प्रमुख व्याख्याओं को श्रीमद् भगवद गीता की व्यापक और तुलनात्मक समझ प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पांडुलिपि असाधारण विविधता और भारतीय सुलेख की सूक्ष्मता के साथ तैयार की गई है जिसमें संकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक को शामिल किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्फूर्ति योजना से रोजगार सृजन के द्वारा देश के विकास में मदद मिली है। स्फूर्ति योजना के क्रियान्वयन के बारे में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अब तक 50 स्फूर्ति क्लस्टर खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खादी, जूट का सामान और ग्रामोद्योग जैसे पारंपरिक उद्योगों के समूह की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी 1,06,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 19वीं साप्ताहिक किस्त में 2,104 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से 7 राज्यों को 2,103 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है और 5 लाख रुपए की राशि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को जारी की गई है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अब तक 1,11,00,000 आवास की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 73,00,000 का निर्माण हो रहा है और 43,00,000 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मंत्रालय वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, सेतु से अगरतला में बांस उत्पाद, नारियल और अगरबत्ती के उत्पादन में वृद्धि होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अब सामान्य रूप से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज शाम श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। कोलकाता में पूर्वी रेल स्ट्रैंड रोड कार्यालय में आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। देश में पिछले 24 घंटे में 20,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए और झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी ने पेरिस में होने वाले राष्ट्रीय ओलंपिक क्वालिफायर में जगह बनाई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अब सामान्य रूप से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कोविड 19 महामारी के मद्देनजर कोविड सुरक्षा मानकों और सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था के कारण लोकसभा और राज्यसभा का समय बदला गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मॉनसून सत्र और बजट सत्र के पहले चरण के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर संचालित की गई, जहां एक ओर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती थी, वहीं दूसरी ओर लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कार्य करती थी। दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सदस्य सदन के दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठते थे, वहीं शाम को लोकसभा में बैठने की इसी व्यवस्था का पालन होता था। सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने और कोविड-19 सुरक्षा तंत्र के पालन के लिए ये कदम उठाए गए थे। अब जब दोनों सदनों में सामान्य समय को बहाल कर दिया गया है, सदनों में मौजूद सदस्यों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के समुचित उपाय किए गए हैं। दोनों सदनों में सदस्य अपने अपने सदनों और दीर्घाओं में सुरक्षित दूरी पर बैठे हैं। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संसद भवन परिसर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर प्वाइंट बनाए गए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद में विपक्षी सदस्यों द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। कांग्रेस, वामदल, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और अन्य दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस कारण कार्यवाही 2 बजे तक के लिए और फिर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और कीमतों में वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करके सदन चलाने की कोशिश की और सदस्यों को अपनी सीटों पर जाने को कहा। शोर शराबा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए और फिर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सरकार ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृति दी गई है। राज्यसभा में आज लिखित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि ये नए मेडिकल कॉलेज मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों से संबद्ध हैं। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि एक नया मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल को उन्नयन कर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन जिलों में ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत की जा सकती हैं जहां पहले से कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार ने कहा है कि संविधान की धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष फरवरी तक 15 आतंकवादी हमलों में 8 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 244 आतंकवादी घटनाओं में 221 आतंकवादी मारे गए थे। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़ दी जाएंगी। राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में इस महीने की 27 तारीख को 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। ये सीटें हैं बांकुड़ा में 4, पुरुलिया में 9, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6, पूर्वी मेदिनीपुर में 7 और झारग्राम में 4। इस चरण के लिए अब तक 111 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक 52 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इस चरण में विधानसभा की 47 सीटों पर इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज माजुली में नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा आज नामांकन दाखिल प्रक्रिया में श्री सोनोवाल के साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कल गोहपुर से अपना नामांकन जमा किया। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंत ने भी नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा राइजोर दल के नेता अखिल गगई ने भी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से नामांकन दाखिल किया है। जोरहाट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, बहाली से प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रंजीत दत्ता और ढोकुआखाना से मंत्री नव कुमार दोले ने भी नामांकन दाखिल किया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। आकाशवाणी का गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांश आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई फोन इन टॉक शो आयोजित करेगा। राज्य चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा चुनाव तैयारियों के बारे में हर शनिवार को विभिन्न उपायुक्तों के साथ साक्षात्कार भी प्रसारित किया जाएगा। कोलकाता में पूर्वी रेलवे स्टैंड रोड कार्यालय में आग के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी जॉयदीप गुप्ता जांच समिति के प्रमुख होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में कहा कि इस घटना के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा विभाग ने भी इस घटना की अलग अलग जांच शुरू कर दी है। इस घटना में कल रात एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य कोलकाता में स्टैंड रोड पर न्यू कोयला घाट इमारत की 13वीं मंजिल पर कल शाम लगभग 6 बजे भीषण आग लग गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के अनुभव आप तक पहुंचा रहा है। आज हम राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की डॉक्टर प्रिया अब्राहम से बातचीत सुनवा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर प्रिया ने कोविड महामारी से निपटने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। It is true that vaccines have been licensed for use in a very, very short span of time compared to earlier vaccines. But for a vaccine to actually be approved by a licensing agency in any country, including ours, it has to first go through preclinical trials. That means it first goes to a series of animal models and see whether one, the first concern is any vaccine safe. The second is how efficient, its efficacy. Is it able to prevent illness or at least serious illness? दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ रुपए और परिवहन के लिए 9,394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों के आवास विकास के लिए 5,328 करोड़ रुपए, अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 1,550 करोड़ रुपए, यमुना की सफाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक और दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। श्री सिसोदिया ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी इस वर्ष भी जारी रहेगी और सरकार ने इसके लिए 3,090 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बजट के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं के लिए 100 विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव किया है। ये क्लिनिक हर वार्ड में खोले जाएंगे ताकि महिलाओं को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 43,74,000 से अधिक लोगों को तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 7,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 फरवरी से टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण का अगला चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के नए मामलों में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 84% से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 8,744 मामले सामने आए। इसके बाद केरल में 1,412, जबकि पंजाब में 1,229 नए संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में पिछले वर्ष आज ही के दिन कोरोना का पहला रोगी मिला था। राज्य में कुछ समय के लिए प्रतिबंधों में छूट देने के बाद अब कुछ इलाकों में फिर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरी ओर राज्य के शोधकर्ता उपचार के नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण महाराष्ट्र के ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, बीड तथा परभणी जिला प्रशासन ने लोगों का जमाव टालने के लिए विभिन्न निर्बंध जारी किए हैं। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने कहा है कि मास्क न पहनने तथा शादी या पब आदि जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने वालों को दंडित कर सरकार मरीजों की संख्या कम करने की कोशिश करेगी। कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण भी राज्य में पूरे जोर से चल रहा है। IIT मुंबई की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शोभना कपूर अब लिपिड मेम्ब्रेन को आशा की किरण की तरह देख रही है। विषाणु तथा जीवाणु
का शरीर कोशिकाओं से बनता है। हर एक कोशिका के ऊपर एक पतली छिल्ली रहती है जिसे लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं। लिपिड मेम्ब्रेन का उपयोग विभिन्न उपचार पद्धतियों में अभी तक कम हुआ है और दवाइयों के विकास के क्षेत्र में भी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। विषाणु तथा जीवाणु के मेम्ब्रेन को केंद्रित की गई दवाइयां कैसे परिणाम कारक हो सकती हैं, इस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। इसी संशोधन के लिए डॉक्टर शोभना कपूर को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एवं इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा इस साल के SERB ह्यूमन एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कल 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। ये सभी लोग 60 वर्ष से अधिक आयु वाले या अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक टीके के किसी भी दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,08,226 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 15,01,253 लोगों को टीके की पहली खुराक और 3,57,654 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 555 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 482 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,66,313 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त राज्य में 3,212 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 41 मरीज वेंटिलेटर पर है। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 129 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय ओलंपिक ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल कर ओलंपिक क्वालिफायर के तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में जगह पक्की कर ली है। ओलंपिक क्वालिफायर इस वर्ष जुलाई में पेरिस में आयोजित होगा। इसमें जीत हासिल करने पर भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए तीरंदाजी की टीम स्पर्धा में जगह पक्की कर लेगा। झारखंड की दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी की सिंगल्स स्पर्धा के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन आज 70 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है और कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के अतिरिक्त देश विदेश के कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी जाने माने तबला वादक थे। चलते चलते सुनते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण जाकिर हुसैन का तबला वादन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा सेतु से अगरतला में बांस उत्पाद, नारियल और अगरबत्ती के उत्पादन में वृद्धि होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अब सामान्य रूप से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज शाम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। कोलकाता में पूर्वी रेल स्टैंड रोड कार्यालय में आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। देश में पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए।
और झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी ने पेरिस में होने वाले राष्ट्रीय ओलंपिक क्वालिफायर में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।